इस 21st सेंचुरी में अपने भारत को, अपने तमिलनाडु को विकसित बनाना है। बीते 10 वर्षों में एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की है। आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था। हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी। जब भी अखबार खोलो स्कैम, जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता था। कि भारत आज दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें तमिलनाडु की बड़ी भूमिका रही है। भारत को स्पेस सेक्टर में आगे ले जाने में तमिलनाडु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आगे ले जाने में तमिलनाडु का हार्ड वर्क रहा है। मुझे विश्वास है तमिलनाडु में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर इस राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तमिलनाडु के युवाओं के टैलेंट ने भारत के इकोसिस्टम को भी मजबूती दी है।